अब आते हैं सर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, क्योंकि फिर मैं सेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, टाइम है, बाकी सब का जो होगा मैं कोशिश करूंगा तो वो करेंगे। ये प्रोडक्ट है सर नेक्स्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, डेंड्रफ लोशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये प्रोडक्ट आपके दो काम बहुत अच्छे करेगा। पहली चीज, इस प्रोडक्ट के थ्रू आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस प्रोडक्ट में कुछ कमिटमेंट्स हैं, अंडर कमिटमेंट्स ओवर डिलीवरी वाला पर्पस है। इस प्रोडक्ट को मेरे साथ थोड़ा सा बारीकी से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है विद इन एन ईयर। ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा हुकबैक भी दे सकता है। दोनों चीजों को आप क्लियरली समझिएगा। राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा, एम आई ऑडिबल? यस सर, डन, थैंक यू। तो कोई भी मैसेज टाइप कर दीजिएगा राजेंद्र जी के लिए कि वो एक बार ऑन ऑफ कर लीजिएगा, राइट? तो डेंड्रफ लोशन, 70% इंडियंस को डेंड्रफ का इश्यू। बहुत से लोगों को पता नहीं लगता है, शुरुआती स्टेज में आपके बच्चे को डेंड्रफ का इश्यू हो सकता है, आपको हो सकता है, और आप इग्नोर करते हैं। डेंड्रफ को आदमी सीरियस तब लेता है जब डेंड्रफ की वजह से उसका बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है और बाल गिरने लगता है, गंजापन आने लगता है, तो वो सीरियस होता है कि डेंड्रफ इज कॉजिंग सर्टेन इश्यू। देन डेंड्रफ आपका सिर्फ सर की स्कैल्प तक नहीं रुकता, एक बार वो इचीनेस पकड़ती है, ड्राइनेस पकड़ती है, तो आपके कान, आपके आईब्रोज, देन नोज, देन होल फेस। बहुत से लोग डेंड्रफ को सिर्फ सर का बीमारी मानते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि जब ये बढ़ता है तो पूरे फेस पे भी आ जाता है और पूरा फेस जो है वो चीजें करने लगता है, राइट? तो दीपा मैम वगैरह आप बाद में मुझे मैसेज करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इतने मैसेजेस थे मैं देख नहीं पा रहा, 150-200 मैसेजेस हैं कम से कम। तो आप दोबारा अपनी क्वेरी पोस्ट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। इन दैट सिचुएशन डेंड्रफ के लिए लोग सीरियस नहीं हो पाते, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। फिर क्या करते हैं, कोई भी सस्ता शैम्पू उठा के लेके आएंगे, उस शैम्पू को कर करके आज तक 99% लोगों को डेंड्रफ का सॉल्यूशन शैम्पू में चाहिए। और बीइंग ए लॉजिकल गाय, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अच्छी बुरी बातें नहीं करता, मैं थोड़ी सी तार्किक बातें करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई है, डेंड्रफ मॉइस्चर खत्म होने के कारण होता है, स्कैल्प का जो वो है स्किन, वो मॉइस्चराइज नहीं रह जाता, डीमॉइस्चराइज हो जाता है, खुश्की आ जाती है। उस आई हुई खुश्की के अंदर हम शैम्पू से इलाज ढूंढ रहे हैं, जबकि शैम्पू का मेन फंक्शन ही ऑयल रिमूवल है। तो ऑयल रिमूवल के कारण, एक्सेस ऑयल रिमूवल के कारण जो बीमारी हुई है उसका इलाज हम उस प्रोडक्ट से चाहते हैं जिसका काम ही ऑयल को रिमूव करना है। दैट इज वन हेल ऑफ अ फुलिशनेस कि यार एंटी डैंड्रफ शैम्पू, शैम्पू मीन्स इट विल टेक आउट ऑयल। और 99% शैम्पू सल्फर का एक मॉलिक्यूल डालते हैं, उसके बाद बड़ा सिंपल रहता है, आप बालों को करिए, एक दिन आराम आएगा, डेली करिए, और थोड़े दिनों में बाल ड्राई हो के बाल पूरे उड़ ही जाते हैं। तो आधा ब्लेम डैंड्रफ पे आता है, बाकी शैम्पू का क्लेम जो है ब्लेम हाइड हो जाता है और वहां हम गलती करते हैं। सो मोस्टली लोगों को जब हमने बताया कि एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो 99% पीपल थॉट कि हमको शैम्पू लेके आ रहे हैं। हमें शैम्पू लेकर ही नहीं आना, क्योंकि अगर हम शैम्पू लेकर आते तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम यहीं पे कॉज कर देते कि एक ड्राई पेशेंट को ओवर ड्राइंग कर रहे होते हैं, हम उसको और ज्यादा ड्राइनेस कॉज करते, तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकल पाता, वो पूरी जिंदगी भर के लिए मेरे प्रोडक्ट का यूजर बन के रह जाता और वो भी मेजर लेवल पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले हम टीवी एडवर्टाइज देख के अपने डेंड्रफ को कॉम्बैट करते हैं, फिर छोटे मोटे डॉक्टर के साथ, फिर वो प्रॉब्लम और सीवियर होती है तो और ज्यादा डेंजरस प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं, एंड एट लास्ट हम होप छोड़ देते हैं। अच्छी बात यह है कि उन लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दारू नाइन लेके आई है। बुरी खबर यह है कि इतना वायबल सॉल्यूशन लाने के लिए देयर इज नथिंग विच इज नोन एज चीपर। आपको रिजल्ट भी मिराकुलस देना है, इमिडिएट देना है, परमानेंट देना है, लंबा देना है, और आपको ये भी नहीं चाहिए कि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है 50, 60, 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को कुछ चीजें आपको बतानी है। सो दिस प्रोडक्ट यू कैन रिकमेंड इट टू एवरीवन। हमने बड़ी जेनरिक सी पैकेजिंग रखी है ताकि डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड कर सकें। बहुत सारे इमेजेस फैंसी बना नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों के टच में अच्छे डॉक्टर्स हैं
वो भी इसको रिकमेंड करने की सिचुएशन में रहेंगे। अब इस प्रोडक्ट से के फायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, लगाना कैसे है। सबसे पहले लोशन है, बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, सूखे बालों में बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। आपको ये लोशन बालों पे नहीं लगाना है, देयर इज नो वर्क इट कैन वर्क ऑन योर हेयर, बालों पे लगाने का काम नहीं। इस प्रोडक्ट को आपका स्कैल्प चाहिए, तो बालों को अच्छे से पार्टीशन करिए, स्कैल्प पे लेयर लगाइए और स्कैल्प पे मसाज करिए। इसका आपका स्कैल्प चाहिए होता है ना कि हेयर्स। बहुत से लोगों को आया कि पूरे बालों पे लगा रहे हैं, किसी ने किसी एक लेडीज को दे दिया, उसने बोला 3 बार में खत्म हो गया। तो मैंने कहा मैडम 3 बार में कैसे खत्म हो सकता है, कह रही सर मेरे हेयर की लेंथ भी तो देखिए। तो मैंने कहा मेरे को हेयर का लेंथ नहीं देखना, मेरे को खोपड़ी देखनी है कि आपकी खोपड़ी हमसे तो छोटी ही होगी जेंट से, तो उल्टा आपको तो कम लगेगा, आप ज्यादा क्यों लगा रहे हो। तो जो स्कल साइज है उस पर डिपेंडेंट है यूसेज, तो वुमेन्स को उल्टा कम लगने वाला है। तो प्लीज जो स्पेशली वुमेन्स है इसको कंडीशनर मत मानिएगा, या इसको वो मत मानिए कि अलोंग द हेयर लाइन लगा रहे हैं पूरा का पूरा, जरूरत नहीं है। सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, क्योंकि डेंड्रफ स्कैल्प की बीमारी है, हेयर्स की नहीं। तो आप जब स्कैल्प पे लगाएंगे तो ये मॉइस्चराइज कर जाएगा। आपको स्कैल्प पे लगाने के बाद बस इसे आधा घंटा छोड़ना है, उसके बाद आप चाहो तो इसे वॉश कर सकते हैं, चाहे तो लिवोन कर सकते हैं, लेकिन मेल्स तो कर पाएंगे, फीमेल लिवोन नहीं कर सकती। आप नहाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर ये पहले दिन सही तरीके से आपकी स्कैल्प पे लगा और आपने आधा घंटा छोड़ दिया, तो इसका रिजल्ट पहले दिन ही डिलीवर हो। इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए आपको सेकंड डे नहीं चाहिए, आप फर्स्ट डे में ही इसका रिजल्ट देख पाएंगे, वेरी फर्स्ट डे। तो मैंने बताया श्वेता जी शैम्पू से पहले और शैम्पू से बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आधे घंटे का स्टे चाहिए इस पे, आप मुझे पहले दे दीजिए बाद में दे दीजिए, ये स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद शैम्पू करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेल्स इसको लिवोन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लगा के छोड़ दिया, लेकिन उनके बाल वैक्सी रहेंगे, मतलब हेयर जेल का काम कर देगा ये, उल्टा बाल जहाँ है जैसे हैं उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा महंगा हेयर जेल बन जाएगा ये, मेडिकेटेड हेयर जेल। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि रिजल्ट आपको पहले दिन दिखाएगा। ये पहली जो ट्यूब है ये हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाएगी आपको, तो फर्स्ट जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते में पहली ट्यूब भी खत्म हो जाएगी और मनी बैक गारंटी है कि आपका डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। नहीं होता तो सबको छोड़िए, कंपनी को छोड़िए, आई एम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप मेरे को खाली ट्यूब भेज दीजिए और बाद का और पहले का फोटोग्राफ भेज दीजिए, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है प्रोडक्ट मिस कर जाए। 100% केसेस में इट विल एंड डेंड्रफ, अगर वो डेंड्रफ है 100% केसेस में एंड करेगा। इसके बाद क्योंकि उसका कारण जो होता है वो भी इन्फेक्शन है स्कैल्प का, तो एकदम से 7 दिन में खत्म नहीं हो सकता। आप पहले डेली यूज करना है, पहले 7 डेज, एक बार डेंड्रफ आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया, स्कैल्प नरिश हो गई है, अब हेयर क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शन अभी आपका पूरा खत्म हो ही नहीं सकता, वहां पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीक से आपको वीकली 2 बार करना है, 3-4 दिन के बाद एक बार, फिर 3-4 दिन के बाद एक बार। अब रोज नहीं करना, अब 3-4 दिन के बाद एक बार अप्लाई करते रहना है, एंड डेंड्रफ आपका वापसी नहीं आएगा। 2-3 महीने के बाद आप इसको वीक में एक बार भी कर सकते हैं, एंड देन एक इन्फेक्शन को खत्म होने के लिए इंटरनली एक्सटर्नली लगभग 6 महीने से 2 साल का समय लगता है। तो किसी किसी का 6 महीने में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और जब तक अगला एनकाउंटर आपका डेंड्रफ के साथ नहीं होगा वापसी नहीं आएगा। ये कंफर्म है कि आप 7 दिन बाद भी छोड़ देंगे तो हो सकता 15 दिन, हो सकता 20 दिन, हो सकता 1 महीना, हो सकता 2 महीना, और हो सकता 2 साल, और पूरी जिंदगी भी डेंड्रफ वापसी ना आए। तो कोई ये ना बोले कि सर उसका तो 1 हफ्ते बाद ही वापसी ना आए, छोटा इन्फेक्शन रहा होगा, स्ट्रेन कम रहा होगा, खत्म हो गया होगा, तो वी कांट से बहुत कम स्ट्रेन होगा, इजीली खत्म हो गया। लेकिन जो हम बोल सकते हैं वो 6 महीने से 2 साल, क्योंकि टेक्निकली वही ग्लिच है कि 6 महीने से 2 साल किसी भी इन्फेक्शन को पूर्णतः खत्म होने में लगते हैं। अगला एनकाउंटर होगा कहीं और से, क्योंकि इन्फेक्शन आ सकता है, पहले भी आपने किसी से लिया है। 70% लोगों का डेंड्रफ इसीलिए क्योंकि एक दूसरे से फैल जाता है। जिस किसी को भी डेंड्रफ है उसकी सेम चद्दर यूज करने से, उसका हेयर कॉम्ब यूज करने से, या उसका गीला तोलिया यूज करने से, ऐसी चीजों से डेंड्रफ स्प्रेड हो जाता है,
इन्फेक्शन ना माहौल चाहिए, आपका उस दिन सर नहीं धुला था, आपको इन्फेक्ट कर दे। तो ये बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। बट हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजिंग बिजनेस भी कराएगा आप लोगों को, और मैं बिजनेस को लेकर बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का भला करना ही व्यवसाय है, प्रॉफिट कमाना, पैसा लूटना कोई व्यवसाय नहीं है। बहुत से लोगों की जब दुआएं मिलती हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं और किसी को बताते हैं यार मेरी प्रॉब्लम थी, इससे मिला, इसने सोल्यूशन किया, दैट इज बिजनेस। और उसी बिजनेस का, उसी व्यापार का बाय प्रोडक्ट पैसा होता है। पैसे के लिए व्यापार नहीं करा जाता, लेकिन व्यापार से पैसा जरूर बनता है, अच्छे व्यापार से तो बहुत ही ज्यादा पैसा भी बनता है। तो नारायण मूर्ति जी हम इज्जत ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा बहुत इकट्ठा किया लेकिन अपने लिए नहीं किया, अपने लोगों को दिया, 2.5 लाख एम्प्लॉय क्रिएट किए और बहुत सारी चैरिटी वगैरह भी करते हैं। तो बिजनेस इज ऑलवेज गुड इफ द पर्सन इज गुड, बिजनेस इज ऑलवेज बैड इफ द पर्सन इज बैड। बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। तो ये प्रोडक्ट आपको ऑसम बिजनेस देगा। सेकेंडरी थिंग, हेयर्स पे अगर इसका एप्लीकेशन होगा, हेयर्स के टच में आएगा, तो हेयर्स पे थोड़ा सा ड्राइनेस का या फ्रीजीनेस का इशू आ सकता है, स्पेशली महिलाओं को, तो स्कैल्प पे ही ज्यादा इसको टारगेट करिएगा। और अगर आपको हल्की सी फ्रीजीनेस हो रही है तो वो एक हफ्ते के बाद कंट्रोल होगी, आप उसको हेयर को ऑयल कर सकते हैं। स्कैल्प की बजाय आप हेयर की ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, प्रोडक्ट्स का हो गया थोड़ा सा। बड़े सारे लोगों को मुझे लगता है कि मसूरी जाने का बहुत एक्साइटमेंट था। आफ्टर फ्यू पीपल वेंट टू गोवा और उनका वीडियो वगैरह आया, तो मुझे लगता है मसूरी के लिए बहुत ज्यादा लोग एक्टिवाइज थे, क्योंकि बोनांजा में मैंने देखा कि मसूरी के बाद जितने भी अचीवर हैं वो तो दाइयों में है, मतलब आईफोन लेने वाले, स्कूटी लेने वाले, उनका नंबर बहुत कम है, लेकिन मसूरी लेने वाले तक तो बाढ़ आ रखी थी, एकदम लोग भागे हैं, दे नीड टू गो टू मसूरी, दे नीड टू गो टू मसूरी। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेट रहे कि मसूरी पूरा नहीं कर पाए। तो इट्स 2nd of November, वी आर अपकमिंग विद अ गुड न्यूज, क्योंकि अभी तो हम इस महीने मसूरी नहीं जा रहे हैं, दिल्ली आरटीपी कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था उन लोगों के लिए एक लास्ट चांस हम दे रहे हैं, इस महीने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने पे और 1600 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ करने पे भी आप मसूरी हम लोगों को ज्वाइन कर पाए। तो आई होप, टारगेट बड़ा सिंपल रखा है, 1 मंथ का टारगेट है, तो आप लोग मसूरी को चेज कर सकते हैं। बाकी जो गोवा जाने वाले हैं, अगर वो कुछ लोग प्रेजेंट हो तो वो हार, क्योंकि अगर मैं यही बताऊंगा कि आपके लिए मसूरी जाना कितना जरूरी है तो वो मैं उतना बेटर नहीं बता पाऊंगा जितना जो लोग गोवा गए थे वो बता पाएंगे। तो मैं चाहूंगा वो 1-2 टेस्टिमनी अगर हो सकता है तो हम जरूर शेयर करें। तो रेज हैंड का एक ऑप्शन है, मुझे मुकेश जी दिख रहे हैं हाथ खड़े किए हुए, तो इनसे जरूर पूछ लेते हैं। और रिस्क भी बड़ा है, इस बार भाभी जी के साथ बैठे हैं तो मसूरी दोनों लोग ही आना चाहेंगे। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, खैर वो रिक्वालिफाई इस टाइम पीरियड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को लाने की कोशिश करिएगा। तो मैं मुकेश जी को अनम्यूट करूंगा। मैं एक बार टारगेट दोबारा शेयर कर देता हूँ, काफी लोग पूछ रहे हैं, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम्स, 50,000 लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम्स, 50,000 राइट बिजनेस वॉल्यूम्स, 1600 सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम्स। अगर आप ये कर लेते हैं तो यू आर कमिंग टू मसूरी, यू आर ज्वाइनिंग द क्लब ऑल्सो। ऑलरेडी कुछ हंड्रेड्स में क्वालिफायर्स हमारे पास पहले से ही हैं, और दोबारा टारगेट देने की वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार उस रिजोर्ट को आउट एंड आउट हम ले लें, मतलब जिस टाइम हम उस रिजोर्ट में जाएं तो उसमें किसी और को कमरा मिले ही ना मिले, 3 दिन 2 रात सिर्फ हम लोग रहे। हाँ, ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग पूछ रहे हैं, कमल साक्या जी, रिजवान जी, बीवी, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम्स ओनली, आईबीवी पे नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम्स पे है। और जो 1600 कर चुके हैं 1 तारीख को, तो ये टारगेट, हाँ ये अच्छी चीज है, ये टारगेट 1 तारीख से ऑलरेडी चालू है, तो जो इस क्लोजिंग में आप बिजनेस वॉल्यूम डाल चुके हैं वो काउंट होंगे, तो किसी का वेस्ट नहीं जाएगा। तो इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, अनाउंसमेंट आज हो रहा है, टारगेट कल से स्टार्ट हो चुका है, तो उस बिजनेस वॉल्यूम्स आर ऑलरेडी काउंटेड। सो आई विल आस्क मुकेश जी टू शेयर गोवा का एक्सपीरियंस, और वही बताएंगे कि मसूरी क्यों आना और क्यों नहीं आना आप लोगों को, रेदर देन आई एम टेलिंग दैट। सर प्लीज गो अहेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मुकेश जी।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को तो रियली बहुत खुशी हो रही है, और मैं सीरियसली सोच रहा था, बहुत लोगों ने एफर्ट किया था मंसूरी के लिए, कुछ कुछ पॉइंट से रह गए थे, तो रियली थैंकफुल टू यू सर, आपने इसको ओवर एक्सटेंड किया 50,000 देवी के साथ। और जहां तक गोवा के एक्सपीरियंस की बात है सर, दैट वॉज रियली रियली अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, फर्स्ट 2 डेज तो मेरे को मेरा वैलेट ही पता नहीं था वैलेट कहाँ है, मतलब मेरी जेब से एक सिंगल रुपया तक खर्च नहीं हुआ। कई कंपनियां ना लाके छोड़ देती हैं वहां पे, ये तुम्हें गोवा पहुंचा दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन जैसे ही हम गोवा, देखो सभी, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा मंसूरी क्यों आना चाहिए गोवा के एक्सपीरियंस से। बाय एयर हमारी वहां पे आना जाना था हमारा, जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर उतरे तो एक लग्जरी एसी गाड़ी हम सबको रिसीव करने के लिए वहां पे खड़ी थी। वहां से हम लोग होटल पहुंचे, 5 स्टार होटल था वहां पे, और होटल में जाती हम एक शानदार ड्रिंक है ना, अल्टीमेट वो ड्रिंक, हम उसी ड्रिंक के हम लोग दीवाने हो गए। सर मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, मैं नाम भूल गया, क्या था सर उसका नाम? सोल कड़ी सर, सोल हाँ कड़ी जी महाराष्ट्र गोवा का फेमस ड्रिंक है, सोल कड़ी यस, मैंगोस्टीन कोकुम। छोटे छोटे वो वोडका वाले ग्लास होते हैं ना, उसमें सर्व किया जा रहा था, तो एक एक बंदे ने वो चार चार पांच पांच पिए सबने, इतना मतलब इतना टेस्टी ड्रिंक था वो। और 5 स्टार रिजोर्ट वहां पे पूल में मजे के लिए सर, खाना दैट वाज ऑसम सर, डिलीशियस खाना था। और फर्स्ट डे जब हम पहुंचे वहां पे 18 तारीख को, तो रात को सर हमें कसिनो में ले गए, और सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, कसिनो में एंजॉय करने के लिए पैसे भी डागर साहब ने दिया, हमने वहां पे भी हमने कोई पैसा नहीं खर्चा, और सबने पूरा जोर लगाया जीतने के लिए। और मैं बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा, आई वाज द ओनली विनर देयर जो कुछ पैसे वहां अरे से जीत के लेके आया था, मैं, डॉक्टर साहब और शायद एक पर्सन और थे। सेकेंड डे हम लोग फिर से गाड़ी हमें रिसीव करने के लिए आई, तो सेकेंड डे हम लोग बिल्कुल समुन्द्र के बीच के अंदर हम गए एक बोट के ऊपर, और एक हमने वहाँ पे एक स्पाइस गार्डन देखा। और थर्ड डे में हम अनबिलीवेबल, हमने इतनी ज्यादा एक्टिविटीज करी, वहां पे भी हमने कोई पैसा कहीं नहीं किया। समुन्द्र के बिल्कुल गहराई तक हम लोग पैर टच करके आए हैं दोस्तों, स्कूबा डाइविंग उसको बोलते हैं। देन पैरा सेलिंग हम लोगों ने करी, बोट के पीछे पैराशूट को बांध के उसके बीच में आपको फिट कर देते थे है ना, और आपको समुन्द्र की सैर करवाते थे हवा के अंदर, और बीच में दो चार गोते लगवाते थे। तो काफी लोगों ने तो उन गोतों का नंबर, डागर साहब की मैंने वीडियो देखी थी, गोते 10 से ज्यादा बार इनको पानी में डिप करवाया था उस बोट वाले ने। सो सीरियसली दैट वाज रियली अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों, हमारी आपस में यूनिटी बहुत, सबने एक दूसरे का साथ एंजॉय किया, पूरे इंडिया से लोग थे। अभी देखो जैसे जैसे डागर साहब ने पूछा ना, अभी मेरे को नजर नहीं आ रहे, तो अंकुश मीना जी ने कैमरा ऑन कर लिया, दीपक जी ने कैमरा ऑन कर लिया। तो यार अभी आप इनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे अगर डागर साहब टाइम देंगे तो सीरियसली खूब मस्ती, पूरे इंडिया के लोगों से आप मिलते हो, इंजॉय होता है, और ऐसे ही मंसूरी में होने वाला है। गोवा में तो हम लोग हार्डली 29 to 30 लोग थे, यहाँ पे जैसे सर ने बताया 100+ तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं। और डागर सर सीरियसली बता रहा हूँ, आपने ऑफर दे तो दिया, संभाल लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा लोग इसको क्वालिफाई करने वाले, बहुत नहीं, लोग नो डाउट, ऐसे। पूरा प्रॉपर्टी बुक करेंगे सर, पूरा ऊपर से नीचे तक हर कमरा हमारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कपल की बात कही, तो इस बार मैं चांस नहीं ले सकता भी अकेले जाऊं, घर में एंट्री होनी बंद हो जाएगी, तो मैडम मेरे साथ ही आ रहे हैं इस बार, हम दोनों ही आ रहे हैं। तो थैंक यू डैम वेरी श्योर मच, सर, रियली ऑसम एक्सपीरियंस, और यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट। मतलब गोवा तो चलो निकल गया, यू कांट अफोर्ड टू मिस मनाली, सो इसमें पूरा जोर आप सब लोग लगाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं अंकुश जी को भी चाहूंगा वो चांस दे और वो लोगों को बता सकें कि व्हाई टू कम टू मसूरी। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जो लाइक आपने मसूरी का टारगेट अभी अनाउंस किया है, मतलब इतने दिनों से लोग पूछ रहे थे बार बार कि सर कोई चांस है क्या, कोई चांस है क्या, कोई चांस है क्या। सो अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रहा था, नहीं लास्ट चांस था, अब निकल गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन अगेन आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया सर, तो थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कैश करने वाले हम, और आपने बोला है प्रॉपर्टी बुक करने का सर, तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी टीम से उसमें रहेगा सर 100%। और मतलब अभी तक जितने लोग अचीवर
बने ठीक है सर, लेकिन आप एक टारगेट रहेगा कम से कम, नहीं तो 70-80 लोगों को हम लेके आए वहाँ पे, और एक अच्छा हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशन हम वहाँ पे करें उस ट्रिप के अंदर, क्योंकि सर जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, गोवा के एक्सपीरियंस की बात चल रही है, तो लाइक गोवा हमारा सेकेंड टाइम था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाला गोवा था, जो सेकेंड टाइम वाला अभी गोवा था, मतलब उसमें लाइक मैं ऐसा बोलूंगा डे एंड नाइट का डिफरेंस था बिल्कुल। मतलब जो चीजें हमें लाइक दार्जिलिंग की तरफ से मिली, आपने जो सारा अरेंजमेंट किया था, दैट वॉज मतलब अमेजिंग, मतलब उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे सर ने बताया लाइक फ्लाइट से लेके देन वहां से होटल तक पिकअप करने से लेके देन पूरा जो घूमने का था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो लगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इतने सारे अचीवर्स, इतने सारे लोग आए थे, उनके साथ मिलने का मौका, टाइम स्पेंड करने का मौका, शवाना मैम के साथ गाने वाले गाने, तो मतलब वो एक अलग यूनिक चीज थी। मतलब तमिलनाडु वाले लीडर्स जिनसे मिलने का मौका मिला, आपने बताया मतलब कल भी परसों भी हम लोग देख रहे थे डैशबोर्ड पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो उन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी से जो अलग अलग जगह से आए हुए थे जो परफॉर्मर्स थे उनसे मिलने का मौका मिला, काफी कुछ सीखने का मौका मिला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिस चीज का रहा है कि डागर सर के साथ वहां पे इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, पर्सनली बहुत सारी चीजें जानने का सीखने का मौका मिला, और ये ऐसी चीजें होती है सर जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम मौके इंसान को ऐसे मिलते हैं, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसे मौके हमें मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यूटिलाइज करनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो कुछ हम सीख के आए ना सर, मुझे लगता है इस जिंदगी में शायद कितना भी अमाउंट हम पे कर दे, कितना भी पैसा हम पे कर दे, कुछ भी हम पे कर दे, वो हम कहीं से नहीं सीख सकते, वो अनकंपेरेबल है। देन उसके बाद में जो कैसीनो वाला सर अभी बता रहे थे, तो सर बता रहे थे एक और पर्सन थे, तो वो मैं ही था सर जो 500 रुपए से लेके 5000 जीत के लाया था, 500 रुपीज का जो बाउचर मिला था उससे 5000 हम लोगों ने जीता, तो मतलब जो इंजॉयमेंट वहां पे किया वो नेक्स्ट लेवल था जो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होटल का फूड सर, जो मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मतलब डागर सर भी ठीक है खाने के शौकीन है, तो मतलब वो एक चीज अच्छी रहती है कि मतलब लाइक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका प्रॉपर टाइम से होगा, लंच भी आपका प्रॉपर होगा, डिनर भी आपका प्रॉपर होगा, मतलब मैं तो अपनी टीम के लोगों से कह रहा था इतना खाना तो हम घर पे रहते हैं तब नहीं खाते, या इतना बढ़िया तो हम जब घर पे होते हैं तब नहीं हो पाता हमारा जितना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देन लंच देन डिनर, तो सारी चीजें थी सर, वो एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं कि खाने में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और देन खाने की प्लेट पे आपके साथ एक साथ एक तरफ जितेंद्र डागर सर बैठे हैं, एक तरफ अभिषेक दुआ सर बैठे हैं, तमिलनाडु से राम सर से मिलने का मौका मिला, राम सर बैठे हैं, तो इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, तो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा जितने भी लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट है मसूरी मिस नहीं करना है, क्योंकि लाइक जाने से पहले मेरे दिमाग में भी इतना बड़ा इमेज नहीं था ट्रिप का सर, मतलब ठीक है मिल रहा है हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये दैट काइंड ऑफ क्लास और दैट काइंड ऑफ लग्जरी वो इमेजिनेशन नहीं था। तो आपसे मेरा डिस्कशन होता था, आप बोल रहे थे कि लाइक मसूरी में अगर आप स्टर्लिंग रिसोर्ट में बैठे हैं और स्टर्लिंग रिसोर्ट के अगर आप लाइक हॉल के अंदर बुफे के अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको फीलिंग आएगी आप स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, मतलब लाइक वहां का जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे जो रेस्टोरेंट वहां का है अगर उसमें आप बैठे हैं और जहां से पूरा देहरादून दिख रहा है तो वो एक ऐसी फीलिंग होगी लाइक आपको पूरा स्विट्जरलैंड दिख रहा है, मतलब पूरा देहरादून दिख रहा है आप स्विट्जरलैंड के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि जिस लेवल का वो रिसोर्ट है, जिस लेवल की चीजें वहां पे होने वाली है और एक साथ इतने सारे लोग, तो सर डेफिनेटली इसको बहुत जबरदस्त तरीके से हम यूज करने वाले हैं। गोवा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था हम सब लोगों के लिए, बहुत ही अमेजिंग जिनकी पहली फ्लाइट थी उन लोगों के लिए, जो पहली बार इतनी लग्जरी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे उन लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा कुछ ऐसे होटल्स में स्टे कर रहे थे उन लोगों के लिए, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया था, और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना लाइक जो ड्रीम्स हम देखते हैं, जो ड्रीम्स हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मतलब उन लोगों को भी दिख रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं, आने वाले टाइम में बिलीव है कि यार हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी ये लाइफ एंजॉय कर पाएगी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इमेजिन कर रहा था कि हमारे साथ कभी हमारी फैमिली भी ऐसी जगह पे आएगी और ये सारी जिंदगी एंजॉय कर पाएगी जो एंजॉय करने का मौका हमें मिला। तो डेफिनेटली सर मसूरी को हम जबरदस्त तरीके से हिट करने वाले हैं जबरदस्त टारगेट के साथ नवंबर मंथ, जैसा आपने बोला बिजनेस डबल ट्रिपल, तो डेफिनेटली सर ये मैं अपनी टीम के बिहाफ पे प्रॉमिस कर रहा हूं इस महीने हम लोग अपना बिजनेस डेफिनेटली डबल से ज्यादा लेके जाने वाले हैं, कोशिश पूरा रहेगा ट्रिपल करने का 100% जो सरप्राइज आपने दिया उसके साथ, और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप हमारी जिंदगी में आए इतना कुछ हमें सिखाने के लिए गाइड करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू खुशी। And can I ask someone from Tamil Nadu, if they are available, we are ready to hear, because people from Tamil Nadu are really like, they are very excited for Mussoorie. I was not imagining.
मेरे को ये थाने की तमिलनाडु से लोग कैसे मसूरी आएंगे, मे बी देल बी क्रेजी फॉर टारगेट और नॉट, तो गोवा में मुझे मिले तो मैंने बोला कि आप लोगों के लिए ना साउथ में कुछ अरेंज कर देंगे, बिकॉज आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर अचीविंग फ्रॉम साउथ. तो आई जस्ट सेड दैट और उन्होंने बोला नहीं सर, वी नीड टू कम टू मसूरी, ठंड में रहना है, एकदम ठंड देखना, मजा आएगा. तो दे वर वेरी क्रेजी. और इस बोनांजा में लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, रतन नायक जी बता रहे मैंगलोर से भी चार मेंबर्स है, ग्रेट सर. मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवर्स फॉर मसूरी आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु. एक महीने के अंदर दे हैव रेज 300% ग्रोथ इन बिजनेस. द पीपल हु से कि बिजनेस 10% नहीं बढ़ता, 20% नहीं बढ़ता, 30% नहीं बढ़ता, डबल नहीं हो सकता, तमिलनाडु की हमारी टीम ने, आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू अनाउंस, तमिलनाडु की टीम ने एक महीने के अंदर अपना बिजनेस 3 times किया है, 300% ग्रोथ है. अमेजिंग अमेजिंग एंड रियली एक्साइटेड, रियली लविंग फैमिली फ्रॉम तमिलनाडु एंड साउथ. चार लोग मैंगलोर से क्वालिफायर हैं और तमिलनाडु का तो मुझे पता ही नहीं कितने क्वालिफायर्स हैं, लाइन से क्वालिफायर्स हैं, मतलब एवरीवन वाज क्वालिफाइंग 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 टिल नाइट. सो इफ समवन इज फ्रॉम तमिलनाडु, वी हैड मेनी पीपल इन गोवा ऑल्सो, इफ समवन वांट्स टू शेयर समथिंग एंड द एक्साइटमेंट यू हैव शोन मी इन गोवा, इफ यू कैन शेयर दैट हियर, सो आई कैन सी द वन ऑफ द फेमस कपल. राम सर आई कांट सी राइट नाउ, so can you unmute yourself Agatya ji and yeah, see the excitement as soon as they go on mute, see the excitement, feel the vibe. Sir, good evening sir. Very good evening sir, how are you doing sir? Fine sir, very nice sir. Sir, so see the sincerity. Tamil Nadu team doesn't understand Hindi a lot, but still they are in the meeting, still they want to listen, and it is great sir, it's great, it's superb experience working with you, networking with you is an amazing experience, next level. I am blessed enough. Thank you sir. Yeah, so can you share something about Goa and how excited are you to come to Mussoorie, and how many qualifiers this month, because last time Mussoorie qualifiers like 3 times business. So can we expect 5 times business this time? Sir, actually last month the business growth, the main reason is one of the main reason Goa sir. Goa, we are excited program sir. We are more enjoyment Goa. So we are satisfied, not only our satisfied, our team satisfied is must. So we are ready to the Mussoorie. Many more people are interested the Mussoorie programs. So many more people like Mussoorie trip. So last 12 people of last month qualified, 12 people in my organization, sir. In your organization only? Yes, sir. And they just started. At the same I think time, you started 2 months back or 1 month back. You started recently. Yes, sir. Just 6 months, sir. 6 months back. Yeah, sir. 12 members from your family. Great, sir. Sir, last month the business completed surveyor level, sir. Oh, superb, sir. Congratulations. Thank you, sir. Thanks, sir. Now, this month, your announcement is very nice, sir. Coming month, this month, is we are more than 12 people. More than 15 people for Mussoorie, sir. Ah, good, sir. Cool. So, this month, we'll have a rocking business again from Tamil Nadu side. Triple time business, last month business, this month, sir. We are aim the business. Triple time in the business of last month, sir. Super, this sir. Month. So you are excited for Mussoorie? Sir? You guys are excited for Mussoorie? Yes, sir. Yes, sir. So excited. Sir, not only we are very thanks to Dajunayan and your approach, your coordination is very nice, sir. Very, very excited, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. लास्ट चांस हम देंगे दीपक वैष्णव जी को, वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे और इनको चांस देने का रीजन बताता हूँ. हिज एंट्री टू गोवा वाज अ सरप्राइज, मींस कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि दीपक वैष्णव जी गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे.
बिकॉज जब हमने गोवा में टारगेट निकाला तो एवरीवन वाज कैलकुलेटिंग. वो नरेन जी बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, बहुत लोग आकलन करते हैं अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे हो पाएगा, टारगेट बड़ा है कि गोवा छोटा है कि फाइव स्टार, इतना एनालिसिस होता है कि उन्हें पैरालिसिस हो जाता है उनके बिजनेस को. बट दीपक वैष्णव जी वॉज नो वेयर नियर की गोवा क्वालिफाई कर सके, ही वॉज नो वेयर नियर. अंकुश जी की टीम से आते हैं बट अंकुश जी ने मुझे बताया कि द डे द टारगेट ड्रॉप तो दीपक वैष्णव जी ने कमिट किया कि आई हैव नेवर बीन इनटू फ्लाइट और मुझे फ्लाइट भी मिल रहा है, गोवा भी मिल रहा है, तो मैं गोवा जा रहा हूँ सर. इन नेक्स्ट टू मंथ्स आई विल बी क्वालिफाइंग एंड आई विल बी गोइंग टू गोवा. आई थिंक उससे पहले मैं चाहूंगा दीपक जी बताएंगे कि 2 लाख करने से पहले पिछले मंथ कितना मैचिंग था एंड हाउ यू मैनेज्ड इट एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू हैड. और एज भी बताइएगा दीपक जी, बिकॉज मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली में जेन्युइन इंस्पिरेशन जाए, बिकॉज यू कैन इंस्पायर सो मेनी पीपल एट दिस एज. सो थोड़ा सा 5-7-10 मिनट अपना टाइम लीजिए, अच्छे से बताइएगा एंड हाउ मच एक्साइटेड यू आर फ्रॉम मसूरी और टीम के कितने लोग आ रहे हैं मसूरी वो बताइएगा, देन वी विल से गुड बाय टू ओवर टू जी. First of all, thank you so much, sir, for giving me opportunity, and thank you so much, sir, for your support all the time. Because whenever I was in doubt, I always go in Hindi. Go in Hindi. Yes, sir. तो मुझे अच्छे से याद है, मतलब जब जब स्टार्ट हुआ था सर, तो उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था सर, 34,000 मैचिंग था, मतलब एट दैट मंथ जब स्टार्ट हुआ था 34,000 का मैचिंग हुआ था, मतलब 34,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग था. Before मैच करना था 2 महीने में 2 लाख, 34 मैचिंग था, 4 महीने ज्वाइन किए हुए थे. Yes sir, please go ahead. Sorry to disturb. और उस टाइम मतलब मैं सर एक चीज पे बिलीव करता हूँ जो मैंने मतलब बुक्स में भी पढ़ा है, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसको हम जो मैसेज देते हैं वो मतलब हमारे साथ होता है. तो जब गोवा का जब टारगेट आया था, तो मतलब मैं फर्स्ट डे से इमेजिन कर रहा था कि जो मतलब जो होने वाला है, लाइक फ्लाइट में बैठना और वो सब चीजें, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट था कि सर आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मतलब मुझे पता था गोवा वही क्वालिफाई करेंगे जो कंपनी के टॉप अचीवर्स होंगे, ये मुझे श्योर है, मतलब उन लोगों में होंगे. तो मेरे लिए सबसे अच्छा था कि इन लोगों के साथ आने का मौका मिल रहा है, मतलब एक लाइन बोलते हैं ना कि आपका एनवायरमेंट आपको बनाता है. तो मैं सोचा अगर 4-5 दिन वहां पे रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे हम भी वहां पे जा सकते हैं. तो ये मेरा पहला एक्साइटमेंट था. एंड फ्लाइट को मैं सर मतलब जब टारगेट लॉन्च हुआ था ना, तो फर्स्ट डे से मैं इमेजिन करने लग गया था. इवन मैं नाता भी था, खाना भी खाता था, तो माइंड में आता था यार गोवा जाना है, फ्लाइट में बैठ रहे, मतलब मैं उसको फील कर रहा था. इवन रात में सोता था तो उस टाइम भी सोचता था यार मतलब कि गलती से भी ऐसा नहीं हो जाए कि ये मिस हो जाए. तो मैं जितना भी करना होता था, मतलब पर डे का जो टारगेट था, क्योंकि मैंने एक चीज डिसाइड करी थी पहले कि पर डे का जो टारगेट है वो इतना मैं लेता हूँ ताकि मेरा 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. मतलब 2 महीने का मेरा टारगेट था ही नहीं, मेरा 1.5 महीने का था कि 1.5 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है. एंड मैंने अंकुश सर को बोला था कि सर आपकी टीम में जितने भी लोग हैं मेरे को सबसे पहले करना है, आप मुझे बताओ कैसे करना है. तो सर ने मुझे बताया कि 2 मंथ्स का है आप, 34,000 आपका हुआ है, आप इस महीने 1 लाख करिए, अगले महीने 1.5 लाख करिए, मतलब टोटल 2.5 लाख करना है. हमारा 2 लाख का टारगेट था ही नहीं कि 2 लाख करना है, सीधा इसको 2.5 लाख तक लेके जाना है. तो हमने फर्स्ट मंथ सर पूरा मतलब अपना 100% दिया, जितना बड़ा, क्योंकि मेरी टीम में मतलब कोई भी बड़ा रिटेलर नहीं था उस टाइम पे कि बड़ी रिटेलिंग करे, कोई भी ऐसा नहीं जिसने 10,000-20,000 बीवी किया हो, मतलब देर वॉज नो सिंगल पर्सन जो इतना रिटेलिंग करता हो. और सारा जो बिजनेस था वो नेटवर्किंग के ऊपर था. तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन लगाई कि मतलब कितने लोगों का हम RTP करवा सकते हैं. सबसे पहले तो जो मिशन था सर स्टार्टिंग से वो ये था कि मतलब क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डेडलाइन के बात करें, मतलब जितना जल्दी वो हो सके उतना जल्दी आप कंप्लीट करते ज्यादा बढ़िया है. जैसे मसूरी भी ट्रिप आया था तो सर मेरा ये टारगेट था कि सबसे पहले करना है, मतलब और मैंने सबसे पहले किया भी सही, क्योंकि वही एक स्टार्टिंग था कि यार करते तो सब लोग बट पहले कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट है. तो सर 2 महीने का टारगेट था मेरा, था कि मुझे 1.5 महीने में करना है. पहले महीने मैंने लिस्ट बनाई कंसिस्टेंसी की, RCP की, एंड अंकुश सर ने मुझे बताया था कि RCP के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं. तो मैंने मेरी टीम में कम से कम टारगेट है 50 RCP अचीवर्स मुझे बनाने, 50 लोग, ताकि अगर 2,500 होता है तो लगभग ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर ये हो जाएगा. तो मैंने ये टारगेट लिया था कि इतना तो हमें करना है, 1.25 लाख हो जाएगा. तो सर मैंने 50 तो नहीं हुए बट 25 RCP अचीवर्स मैंने बनाए उस महीने में. और भूपेंद्र गौर सर का सेशन भी था जयपुर में,
तो उसके लिए भी मैंने मतलब उसको भी मतलब छोटे छोटे टारगेट था सर, बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए मैंने छोटे छोटे कुछ टारगेट थे उनको यूटिलाइज किया, लाइक कन्वेंशन का टारगेट था उसको यूटिलाइज किया, भूपेंद्र गोसर का सेशन था उसको यूटिलाइज किया, और मुझे पता था कि एक पर्सन लाख बीवी नहीं निकाल सकता, पर दस लोग दस दस हजार बीवी तो निकाल सकते, तो मैंने इस तरीके से लोगों की लिस्ट बनाई कि किसी का 5000 बीवी करवाना है, मतलब 20 पीपल 5000, मुझे अच्छे से याद है सर, लास्ट 8 डेज में मेरा 80,000 बीवी बाकी था, 8 दिन में 80,000, ठीक है, और मुझे पता था कि ये अकेला मैं नहीं कर सकता, तो मैं उस टाइम एक वैल्यू था वहां पे कुछ एक्टिव लोग थे, और मेरे उस टाइम मतलब थोड़ा सा माइंड में ये भी था कि यार, क्योंकि मैंने आपको भी कमिट किया था कि सर कुछ बजाय मैं करके आऊंगा, तो एक इमेज का भी सवाल था, और सबसे बेस्ट मौका था सर अपने आप को फ्रंट में लेके आने का आपके सामने, तो मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने 20 लोगों का लिस्ट बनाया कि इन लोगों से अगर 5000 बीवी इनके थ्रू जनरेट करे 8 दिन में, तो मैं अकेला नहीं कर सकता पर ये सब लोग मिलके कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ गया, मैंने उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग करी, सब लोगों को बुलाया 15-20 मिनट मिलके, फिर मैं डेली उन लोगों को ट्रैक किया कि आपको 5000 बीवी कैसे करना है, मतलब उसमें उनका भी क्राइटेरिया था, उनका स्टेज का जो क्राइटेरिया था, जैसे भूपेंद्र गौर सर का सेशन जयपुर में था तो सर मेरी टीम से सबसे ज्यादा अचीवर थे, क्योंकि मैंने उसी के लिए लोगों को भगाया कि ये हम कर सकते हैं, 13 लोगों का क्वालिफाई हुआ था उसमें, 30 पीपल वर देयर जो 5000 बीवी सेल्फ कंप्लीट करके वहां पे आए थे, तो इस तरीके से करके मुझे अच्छे से याद है 8 दिन में 80,000 बाकी था, मैंने कुछ लकी ड्रॉ भी उसके लिए निकाले टीम में ताकि लोग सेल्फ परचेज करें, और 6 डेज में मैंने कंप्लीट कर दिया था सर 6 दिन में, और उसके बाद 2 लाख बीवी का टारगेट था, मैंने 2,17,000 कंप्लीट करके आया था उस टाइम, बट सच बता रहा हूँ मतलब स्टार्टिंग से ही 2 महीने का तो कभी था ही नहीं, जैसे अभी सर आपने मसूरी का डाला, मैं पहले तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा सर, मेरी पहली फ्लाइट थी, तो मैं सच बता रहा हूँ मतलब जब आपसे मिला था फ्लाइट पे और आपने बोला था, तो मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैंने सच में कुछ बहुत अच्छा करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और जब मैं फ्लाइट पे बैठा था तो मेरे सर मेरे पूरे खानदान में अभी तक कोई नहीं बैठा, एंड माय फादर इज अ फार्मर, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा मेरे लिए है कि फ्लाइट में बैठना, और सर सब कुछ फ्री था, तो जब हम होटल में गए, हम मैंने जितनी भी ट्रिप करी आज दिन तक सर लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हर ट्रिप में कोई ना कोई ट्रेनिंग होती थी, मतलब हमारा 1-2 दिन का घूमना होता था बाकी सारा ट्रेनिंग, बट फर्स्ट टाइम सर 4 दिन हम रुके, बट देयर वाज नो ट्रेनिंग, पूरा एंजॉय, एंड सबसे अच्छी चीज क्या, जब भी हम लोग जाते थे तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत होता था, लाइक रूम में कॉम्प्रोमाइज करना और फूड में कॉम्प्रोमाइज करना, सर पहली बार मतलब लाइफ में ऐसा हुआ कि जो ट्रिप थी उसमें 0% कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो आपका वर्ड है जो आप हमेशा बोलते हैं नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर क्लास, हम किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना तो प्रोडक्ट की क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना बिजनेस की क्लास के साथ, और ना टीम में बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो सर ये बहुत अच्छा लगा सर, होटल्स एकदम अमेजिंग, रूम्स सर एक रूम में हमने सोचा 3-4 लोग रहेंगे, बट देयर वर ओनली 2 पीपल इन 1 रूम, एंड सच में मतलब जो खाना था इतना डिलीशियस, मॉर्निंग इवनिंग ऑल डे, और जो हमारा जो बस भी था टूरिस्ट बस वो भी एकदम शानदार, एंड सर सबसे बड़ी चीज क्या मुझे अच्छे से याद है, मतलब जो मेरा जो सबसे अच्छा टाइम रहा जब आपने मुझे बताया कि आपका जो बचपन बताया कि आप जब स्टार्टिंग में थे तो आप भी मेरी तरह फूडी थे एंड बहुत ज्यादा, तो मतलब मेरे को ना सच में उस दिन से ऐसा लगा कि यार मैं भी आपके ऐसा कर सकता हूँ, मतलब इतना बड़ा बिजनेस कर सकता आने वाले टाइम में, तो एक होप, एंड मैं सच बता रहा हूँ सर ये गोवा मेरा 2nd टाइम था, पहली बार में भी हम लोग उससे पहले अंकुश सर के साथ मैं जाके आया हूँ, बट मैंने अंकुश सर को एक लाइन बोली थी कि सर यहाँ से, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहे ना तो सर जो फैमिली जो अपनापन फील हुआ, मतलब मुझे एक दिन भी ये नहीं लगा कि ये वो लोग हैं जिनको मैं कभी जानता नहीं हम 6 लोग आए थे राजस्थान से, एंड बाकी जितने भी लोग थे लाइक मुकेश सर, मैं मतलब थैंक यू सो मच बोलूंगा मुकेश सर एंड नरेंद्र सर एंड जितने भी लोग हैं, मतलब सच में ऐसा लगा कि यार सब लोग अपनापन इतना ज्यादा लोगों ने, तो और सर जो आपका उनके साथ बॉन्डिंग था जिस तरीके से आप उनके साथ रहते हो, मैं सच में इंस्पायरिंग की मतलब एक कंपनी के एक वो पर्सन जो फाउंडर है वो लोगों के साथ इतना बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जो रिलेशन ना लाइक एक घर में भाई भाई का होता है वो वाला रिलेशन आप मेंटेन कर रहे थे, तो सच में वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि यार आने वाले टाइम में मतलब इतना सेफ ये कंपनी है कि हम बहुत आगे तक यहाँ पे जा सकते हैं, एंड मुझे नहीं पता सर कि मैं आपको मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था ना तभी मैंने की सोची थी कि दार्जिलिंग मुझे कहाँ तक लेके जाएगा ये मुझे नहीं पता, पर ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर कि हम सब दार्जिलिंग को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, मतलब बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से कि दार्जिलिंग आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं हम सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और आने वाले टाइम में भी रहेगा इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाने में, तो मैं एक चीज बोलूंगा सर अभी मसूरी दोबारा आपने मौका दिया है आने का, सर ने पहले भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अभी बहुत बहुत शानदार होने वाला है,
अभी भी टारगेट सबके पास 30 डेज का है, पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा सर, 30 डेज का सोच के जो करेगा ना उसका कभी नहीं होने वाला, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर 30 डेज का टारगेट सोच के करेंगे तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि लाइफ में आप जितना सोचते हो उससे हमेशा कम ही आपको मिलता है। अगर आपको टारगेट हिट करना है तो सबसे पहले कौन करेगा ये मैटर करता है, अगर ये सोच के करेंगे तो सबका हो जाएगा। 20 डेज का डेडलाइन, क्योंकि अगर 20 डेज में करना होता तब भी तो करते, अगर सर का टारगेट 75,000 देते 30 डेज में तब भी तो हम लोग करते, मतलब हमें पता था कि अगर टारगेट 20 डेज में होता तब भी हम करते तो 20 डेज में इसको क्यों नहीं कर सकते। गुड, तो अगर आप कम टाइम में कंप्लीट करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है। बट आज भी अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे कि 30 डेज में होना, 30 डेज का टाइम मिला 30 डेज में हम करेंगे, तो मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आप रिग्रेट करने वाले हैं। तो आज यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद एक चीज आप कर सकते हैं क्या, जितने भी लोग यहाँ पे, सबसे पहले लिस्ट बनाइए, पर डे की प्लानिंग करिए, लाइक 20 डेज में मुझे करना है तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन निकल के आता है 2500 BB लेफ्ट में, 2500 BB राइट में, 5000 BB पर डे अगर मेरी टीम से आता है तो 20 दिन का 1 लाख होता है, मतलब मैं आराम से मसूरी कर सकता हूँ। और 1 लाख बड़ा लगेगा बट आप पर डे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इट विल बी इजी। सो ये हम सब लोग कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। एंड दीपक जी, एज और आपके लिए अप्लाइंग क्या मायने रखती है, क्योंकि एक चीज मैंने आपसे और सीखी, इंस्पायर्ड हूँ, एज क्या और अप्लाइंग क्या मायने रखती है आपके लिए आपके जीवन में, दो चीजें बस, दैट इज इट। एक मिनट सर, आई एम 23 राइट नाउ, 23 साल का मैं हूँ। एंड थोड़ा बहुत अचीवमेंट भी बताऊंगा तो डायरेक्ट सेटिंग से सर अभी तक मतलब बाइक भी ले चुका हूँ, आईफोन भी लिया है, कार भी लिया है अपने पैसों का, 10.5 लाख का ड्राइव करनी है जो अभी मैं ड्राइव करता हूँ, 1 साल हो चुका उसको लिए। बट बड़ी चीज क्या मैं आपको सर बताऊं सर, जब मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था तो मतलब एक बार मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, उसमें मैंने एक चीज सीखी थी कि अप्लाइंग इज ऑलवेज राइट। और अगर आपको, क्योंकि एक पर्सन इस बिजनेस में, पूरे बिजनेस में ऐसा है जो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, वो आपकी अप्लाइंग, मतलब कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। तो मैंने उस दिन से मतलब अप्लाइंग हमेशा, मतलब सर आंखों पे अगर अप्लाइंग ने कोई बात बोल दिया तो मेरे लिए वो एक पत्थर की लकीर है। लाइक अगर कोई मीटिंग का बोला, जैसे भी मैं कल की बात करूं सर, कल अंकुर सर ने मुझे बोला, कॉल आया मेरे पास सडनली कि कोटा में हम कल 3 तारीख को मीटिंग रख रहे थे, ट्रेनिंग मीटिंग, अब कल 1 तारीख थी और आज 2 है, कल 3 थी। तो सर ने बोला और मेरा पहला वर्ड था कि डन सर, कल रखते हैं, परसों रखते हैं, आप बोलोगे। मतलब कभी भी अप्लाई ने अगर कोई बात बोली है तो मेरे मुंह से, सर भले मेरी टीम में 5 जने हो और मीटिंग 50 की करनी हो, तो मैंने कभी नहीं बोला कि सर थोड़ा मुश्किल है, मैंने बोला सर डन करते, मैं अपना 100% दूंगा, हो सकता है 50 ना हो, 40 रह जाए, 30 रह जाए, बट मैं अपना 100% दूंगा। तो एक चीज मेरे सामने हमेशा सर रही कि कभी अप्लाई ने कोई बात बोली तो मेरे लिए वो था कि अगर अप्लाई ने बोला है तो करना है, क्योंकि अप्लाई ने तभी बोला है हम डिजर्व करते, अगर हम डिजर्व नहीं करते तो अप्लाई ने हमें बोलती भी नहीं। तो ये चीज मैंने हमेशा से, और एक और चीज सर की मतलब जब भी अप्लाई का कॉल, क्योंकि बहुत सारे लोगों मैंने देखा है जो अप्लाई का कॉल इग्नोर करते हैं, कट कर देते हैं, सर एक चीज मेरे सामने हमेशा सर है कि जब भी मेरे अप्लाइंग का कॉल आया, मैं कभी बेड पे बैठ के बात नहीं करता, मतलब ऑलवेज स्टैंडिंग पोजीशन, कि अगर अप्लाइंग इवन मुझे अच्छे से आते, एक टाइम तो सर मैं घर पे था दिवाली से कुछ दिन पहले, मैंने कार लिया था उससे जस्ट पहले का, तो मैं कार लेके घर पे गया था एंड सर मैं खाना खा रहा था, अंकुश सर का कॉल आया एंड मैं पापा मेरे साथ में बैठे थे, मम्मी पापा एंड कुंदन सर भी थे मेरे फ्रेंड। तो जैसे अंकुश सर का कॉल आया, मैंने खाना खाना स्टार्ट किया था, 2 मतलब 1 रोटी भी नहीं खाई थी पूरी, सर का कॉल आया एंड मैं वहां से उठ के फोन लेके मैं बाहर आ गया, मतलब बात करने के लिए खाना खा के उठ के, और मैं कम से कम आधे घंटे तक सर से कॉल बात करता रहा, मतलब मैंने सर को बताया नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि सर का कॉल आया तो मैंने सोचा कि खाना तो बाद में भी खा लेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है। जब मैं खाना खा के वापस आया तो मेरे पापा मुझे डांटे कि इतना जरूरी जगह कॉल खाना खा लेता पहले, खाना ठंडा हो गया तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ठंडा हो गया तो ठंडा खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं एक चीज, मेरी अपलाइन, मैं अगर कभी खाना भी खा रहा हूँ ना और अपलाइन का कॉल आ रहा है तो मेरे को क्या लगता है अपलाइन कैसे होती है, खाना खा रही होगी, मतलब मैं जल्दी खाना खा लूँ। तो मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ, मेरी अपलाइन की नजरों में ना मैं कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब नेवर एवर एवर कि मैं एक आलसी डाउनलाइन हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो थोड़ा लेजी हूँ और इतना एक्टिव हूँ कि मतलब, और सर वो भी सही रियल में, ऐसा नहीं कि मतलब केवल दिखाने के लिए। तो वो चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी अपलाइन का फेवरेट डाउनलाइन बनू, फेवरेट, और क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को भी ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरी फेवरेट ऑनलाइन बनेंगे, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस ऑफ कॉफी पेस्ट नेटवर्किंग, तो जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरे साथ कॉपी होने वाला है। और सर ये हुआ भी सही, मुझे नहीं पता कि कितना इतना जल्दी मेरे को ये सारी चीजें कैसे मिली, बट मैं मेरी अपलाइन की टीम में पहला कार अचीवर बना, और हालांकि बहुत सारे लोग थे बट मैं पहला बना, क्योंकि
वो एक पता नहीं कैसे हुआ, बट मैं जो माना अपलाइन को शायद उसी का रिवार्ड मुझे मिला वो। तो जितने भी लोग यहाँ पे, मैं आपको बोलूंगा कि एक पर्सन जो आपकी बिजनेस में कभी आपको बुरा नहीं सोच सकता, दैट इज योर अपलाइन। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट, भले ही वो कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो सकता है आपको फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो आगे, बट वो पर्सन आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो ये चीज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही सर हमेशा, और इसी चीज ने मतलब मैं अगर कोई भी चीज बोलूं जो मुझे यहाँ तक लेके आई, तो यही चीज है जो यहाँ तक लेके आई है। चलिए, थैंक यू दीपक जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जाने से पहले मैं मसूरी का टारगेट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एंड आई थिंक काफी सारा इंस्पिरेशन चीजें विजन आपको मिल गया होगा, और वो बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मसूरी का जो रिजोर्ट है, जो मैंने अंकुशी को बोला था, वो हिल टॉप पे है, पहाड़ की चोटी काट के उसके ऊपर बनाया गया है। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू लिव बाय, मतलब जिंदगी मिली है तो वहां पे भी जाना चाहिए। और उसका जो रेस्टोरेंट है जहां मैंने अंकुशी को कहा था, वहां जब आप बैठ के खाना खाते हैं, उसका एक पूरा साइड, बहुत बड़ा साइड ग्लास का बना हुआ है, कांच का है। वहां से अगर आप फोटोग्राफ किसी को भेजें या वीडियो भेजें, तो मैंने बोला था वो बिलीव नहीं कर पाएगा कि आप इंडिया में हैं। यू विल थिंक आप अब्रॉड हैं, और झूठ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और अगर आप उस रेस्टोरेंट से देखते हैं तो पूरा देहरादून शहर आपको दिखता है, इट्स ए ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सबसे बढ़िया चीज है मौसम बहुत शानदार रहता है, बॉनफायर जंपिंग वगैरह बहुत कुछ रहेगा, कैरोके रहेगा, गाना गाना वगैरह रहेगा। और मेरी गारंटी है मैं नहीं गाऊंगा, बाकी मतलब जो अच्छे सुर वाले लोग हैं वो गाएंगे। तो बाकी चीजें हैं, सो आई वांट टू सी यू देयर। जाने से पहले टारगेट दोबारा रिपीट करता हूँ, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, 1600 सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम। जो भी व्यक्ति 1st of November से 1st of December तक क्लोजिंग तक करेगा कंप्लीट, दैट पर्सन वुड बी देयर, एंड आई विश टू सी एवरीवन आउट देयर। 500+ 700+ लोग थे, मैं चाहूंगा हर कोई हमारे को वहां ज्वाइन करें, एंड स्पेशली एक्साइटेड टू सी साउथ पीपल फ्रॉम तमिलनाडु कर्नाटका एवरीवन, because these are really excited, and thank you.